सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जैद इज हियर एंड यू आर वॉचिंग आर्ट जनम व्लॉग। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और बहुत टाइम के बाद एक वीडियो आ रही है जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था काफ़ी दिनों से और काफ़ी वक्त लग गया व्लॉग को कंटिन्यू करने में जस्ट बिकॉज यार काम भी बहुत सारे मैनेज करने पड़ते हैं क्योंकि यूट्यूब से लोगों को लगता है कि मेरी इनकम है बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस। मैं यूट्यूब से कुछ इतना कमा नहीं पाता हूँ कि कुछ भी कर पाऊँ, मतलब इवन अभी लगा लो मेरी एक ट्रिप का खर्चा भी यूट्यूब नहीं दे पाएगा। सो उस टॉपिक को साइड में रखते हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक है हाउ आई शूट एंड एडिट माई वीडियोज। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, क्या डिवाइसेज यूज़ करता हूँ, कौन से ऐप्स यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। सो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए फाइनली। सो दिस वीडियो इज़ हेयर एंड अब बात करते हैं कि मैं शूट कैसे करता हूँ। सो आई हैव ए टू डिवाइस फॉर शूट्स बट मैं एक ही डिवाइस यूज़ करता हूँ ज़्यादातर शूटिंग के लिए। I have my 12 mini जो मैंने अब से लगभग डेढ़ साल पहले लिया था। जब से मैंने लिया था ना, उससे पहले मैं यूज करता था अपना ये कैमरा निकॉन का D5300। उसके बाद से मेरे जितने भी व्लॉग्स बने हैं, मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स सब इसी फ़ोन से बने हैं, इसी डिवाइस से बने हैं। और आप ये लगा लो कि अब तक मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया सिर्फ वीडियोस में। मैं कॉलिंग के लिए दूसरा फ़ोन यूज़ करता था, इसको सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से ही मैंने लिया था। और डेढ़ से दो साल, मुझे दो साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मैंने सिर्फ वीडियोज़ के लिए यूज़ किया है, बाकी बहुत कम यूज़ किया इस फ़ोन को वैसे। और मतलब ये इसलिए लिया था कि पोर्टेबिलिटी, शूट और अच्छा खासा शूट करता था। 4K 60 FPS तक वीडियो आप शूट कर सकते हो, बस आपको लाइटिंग कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखना होता है, बाकी फ़ोन की क्वालिटी औसम है। आपने मेरी कश्मीर सीरीज़ देखी हो, नहीं देखी होगी तो सारे ब्लॉग्स इसी से शूट और एडिट हुए। मैं एडिट जो है मेरे पास, पहले मैं लैपटॉप से करता था, उसके बाद मैंने अपना एक PC बिल्ड किया था। अब से लगभग 1.5 ईयर्स अगो आई हैव बिल्ड माई PC जो कि ठीक स्पेसिफिकेशन है, अच्छा खासा है, तो उसमें एडिट आराम से हो जाता है। तो मैं पहले शूट करता हूँ, फिर डाटा घर लाता हूँ, फिर उसका एडिट करता हूँ। एक लैपटॉप भी था मेरे पास बहुत थका हुआ था पुराने टाइम का, मैंने उस पर भी बहुत एडिट किया गाई, जबकि वो इतना हैंग होता था, इतना लैगी लैपटॉप था वो। मैं आपको क्या बताऊँ कि वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं उस पर एडिट करता था। बट ये है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं उस पर ही एडिट करता था। फ़ोन से मुझसे एडिटिंग नहीं हो पाती थी, मतलब मैं रील्स वगैरह तो एडिट कर लेता हूँ फ़ोन पर, बट पूरे ब्लॉग को एडिट करना थोड़ा भारी हो जाता था जस्ट बिकॉज क्योंकि लंबे लंबे ब्लॉग्स होते थे इसलिए। और मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि अपनी एडिटिंग में बहुत चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ, जैसे कि मैं कलर्स का ध्यान रखता था, एडिटिंग स्टाइल का थोड़ा मेंटेन करता था, तो वो सब चीज़ें मैं ध्यान में रखता था गाइस, तभी मेरे ब्लॉग्स इतने मुझे एडिट कर पाता हूँ। हालाँकि मैं पहले जैसी मेहनत नहीं करता हूँ जो मैं पहले करता था एडिटिंग में, बट फिलहाल मैं यही करता हूँ। एक मेरे पास ये मेरा कैमरा है निकॉन का D5300 जो मैंने यूज़ करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया पिछले डेढ़ साल से। मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, जैसा भी मुझे बताना है फ़ोन के बारे में तो मैं इससे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घर पर ही हूँ और यहाँ जो मैंने अपना छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाया हुआ घर पर, इसके बारे में आपको फिर कहीं बताऊँगा, फिलहाल बहुत गर्मी है। तो गाइस यहाँ पर बैठ के मैं करता हूँ अपनी वीडियोज़ को एडिट, और ये मेरा PC है जो कि मैंने आपको भी वीडियो में बताया था। तो गाइस मेरा जो PC है वो है i7 10th generation, और उसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX का 3070 है। एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं अभी आपको क्लोजअप से दिखा देता हूँ कौन सी मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। ये मेरा सेटअप है जहाँ मैं बैठता हूँ, सारा दिन मैं एडिट करता हूँ। ये मैंने दो मॉनिटर लगा रखे हैं, एक 27 इंच का ये वाला है, और ये वाला जो है वो 18 इंच का है। इसमें मैं पूरे पूरे दिन बैठ के एडिट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे एडिट में अपने जो है मैं चाहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी दे सकूँ आप लोगों को, इसी वजह से मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ एडिट को लेकर के, इसलिए मैंने ये PC बनाया था। और ये मैं बता दूँ कि ये PC भी मैंने खुद ही जॉब करके अर्न किया है, ना कि मैंने कोई YouTube से अर्न किया है। तो जिन लोगों को लगता है कि YouTube से अर्न करके सब लिया है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ इनमें से जितनी भी चीज़ें मेरे पास है एक भी चीज़ YouTube से अर्न करके नहीं ली है मैंने, सब कुछ से ली जस्ट बिकॉज मैं इतना रेगुलर एक्टिव नहीं रहता हूँ गाइस। मैं मोस्टली जो है ब्लॉग डालता हूँ, फिलहाल गर्मी लग रही है, पसीना आ गए हैं आप देख सकते हो, मैं पसीने में पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि फ़ैन ऑफ कर रखा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ अभी सीधा स्क्रीन पर जो मैं यूज़ करता हूँ। तो गाइस ये मैंने खोल लिया अपना कश्मीर वाला प्रोजेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने अगर देखे होंगे व्लॉग्स तो आपको पता होगा, ये कुछ इस तरह की देखो मेरी टाइमलाइन होती है गाइस,
इतनी ज़्यादा कट्स इसमें होते हैं, आप यहाँ से ऐसे देखो, आपको दिखेगा नहीं, तो कितने बारीक और कितने छोटे छोटे कट्स होते हैं इसमें, जिनको काफ़ी मेहनत लगती है करने में गाइस, क्लिप छाटने में। और आप ये देख सकते हो, ये रही, ये सभी कश्मीर वाले ब्लॉक की टाइमलाइन है। और ये देखो, ये रही, ये सब जितनी भी है कश्मीर वाले ब्लॉक्स की ही टाइमलाइन है गाइस। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इनको एडिट करने में, क्योंकि क्लिप्स को कलेक्ट करना, फिर म्यूज़िक ये सब, और म्यूज़िक भी नॉन कॉपीराइट, जस्ट बिकॉज मेरे पास किसी भी प्रीमियम वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही सारे म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। तो गाइस बस आज की वीडियो को इतने रखते हैं, आई होप कि मेरा आपको सिंपल एंड शॉर्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने जस्ट इसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो आई होप कि उन सबके क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दे दिए होंगे। और कुछ रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे आप लोग। बाकी मैं ब्लॉग्स बहुत जल्दी कंटिन्यू करूँगा, और अभी मैं एक चैनल के लिए और काम कर रहा हूँ, गेमिंग के लिए मैं फिर से सोच रहा हूँ कि एक और चैनल बनाया जाए, उस पर गेमिंग करी जाए, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं खेलता रहता हूँ गेम कभी कभी, सो मैं सोच रहा हूँ वो भी क्यों ना उस पर काम किया जाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कर लेना गाइस, सब्सक्राइब, ठीक है, ब्लॉग भी आएंगे जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है।